साथियों, 21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना है। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो इस बारे में बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाइयों और बहनों, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, यहां रह रहे लोगों से बहुत अपनत्व के साथ उन्हें अपना मानते हुए संवाद कायम किया। हमने विश्वास पैदा किया, उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में औसतन हर साल 1000 से ज्यादा लोग उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे, अब यहां लगभग पूरी तरह शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। जिस नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर क्षेत्र में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा लगा हुआ था, अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा आपसा से मुक्त हो चुका है। जिस नॉर्थ ईस्ट में उद्यमी निवेश के लिए तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है, नए उद्यम शुरू हुए हैं।
जिस नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने होमलैंड को लेकर लड़ाइयां होती थी, अब यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जिस नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे, अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे हैं। साथियों, ये परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, ये 5 साल के अथक परिश्रम का नतीजा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेसिपिएंट के तौर पर देखा जाता था, आज उनको विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था, आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही है। और मुझे ही देखिए, मुझे अपने बोडो साथियों से, असम के लोगों से बात करनी थी तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं भेजा, बल्कि आपके बीच आकर आपके आंखों में आंखें मिला करके आपके आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो बकायदा मैंने रोस्टर बनाकर हमने सुनिश्चित किया कि हर 10-15 दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य जाएगा, रात को रुकेगा, लोगों को मिलेगा, सुख दुख सुनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, यहां आके करेगा। ये हमने करके दिखाया। हमारे साथियों ने प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय यहां बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझे, सुलझाएं। मैं और मेरी सरकार निरंतर आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को जान रहे हैं, सीधे आपसे फीडबैक लेकर केंद्र सरकार की जरूरी नीतियां बना रहे हैं।